मही ने बड़े गुस्से से कहा, अरे ओ टूनी, जल्दी से बच्चों के लिए कुछ बनाकर खिला दे, हर समय सोती रहती है। सासू माँ, पांच बेटियों की हर जरूरत मैं ही पूरी करती हूँ, आप मेरी थोड़ी भी मदद नहीं करती। जबान लड़ा रही है मुझसे? हाथ पैर तोड़ डालूंगी, खबरदार। भला क्यों आप मेरी टांगे तोड़ेंगी? इतने दिनों से मैं चुप हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे बार बार मना करने पर भी बेटे की आस में मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी बात करे? बस अब और नहीं सहूंगी मैं, तू अपनी बेटियों को अपने साथ ले और इस घर से दफा हो जा, चली जाए यहाँ से। यूं उसे जोर जोर से डांट कर बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल देती है। टूनी रोते रोते बाहर निकली, उसकी पांच बेटियां भी। माँ, आखिर तुम हमें इतना क्यों सताती हो? माँ, घर में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती है। हमें आखिर तुमने जन्म क्यों दिया? माँ, जब तुमसे हम संभल नहीं रहे थे, तब एक ही बेटी को जन्म देकर खुश हो जाना चाहिए था ना। बेटियों की बातें सुन माँ का दिल पसीज गया। बेटा, मैं तुम सबको जन्म देना नहीं चाहती थी, तुम्हारी दादी की वजह से ही मुझे तुम सबको जन्म देना पड़ा। अगर तुम सब असली वजह जानते तो शायद मुझे ऐसे नहीं कहते। यूं टूनी गौरैया ने अपने बच्चों को अपनी जीवन गाथा सुनानी शुरू की। मैं नई नई ब्याह कर आई थी, तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी दादी भी मुझे बहुत चाहती थी। हम दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे, शाम के समय हम दोनों इकट्ठे बैठकर बहुत सारी बातें किया करते थे। एक साल के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटा टूनी, मैं तो सोच रही थी कि तू हमारे घर का वारिस देगी हमें, पर तूने तो बेटी दी, फूटी किस्मत मेरी, मैंने सोचा कुछ था और हुआ कुछ। यूं नाराजगी ने उन्होंने कहा, उस दिन से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी, मेरी बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी और मेरे साथ घर के काम में मेरी मदद भी नहीं करती थी। शाम होने पर तुम्हारे पापा घर लौटते, यूं एक बरस के बाद पता चला कि मैं फिर से पेट से हूँ। इस बार तुम्हें बेटे को ही जन्म देना होगा, अपने वंश को आगे बढ़ाना है। सासू माँ, भगवान हमें जो भी देना चाहेंगे वो देंगे, ये उनकी मर्जी है। मैं कोई इच्छाधारी तो नहीं कि मुझे जो चाहे मैं उसी को जन्म दे दूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, पर आजकल ऐसे यंत्र भी तो निकले हैं जिससे पता चले कि तुम्हारी कोख में पल रहा बेटा है या बेटी। अब तुम मेरे साथ जल्दी अस्पताल चलो, वहाँ पता चल जाएगा। मैं कुछ न कह पाई, स्तब्ध हो चुकी थी। फिर हम अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँच कर सासू माँ ने कहा, डॉक्टर निजी, ये पेट से है, एक बार इसकी जाँच तो करिए ना। पर ये दिखने में बहुत कमजोर लगती है, इनको ताकत की बहुत जरूरत है, मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख कर दूंगी, आप वो इन्हें समय पर दे देना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इसके पेट में पल रहा बेटा है या बेटी। क्या कहा? आपको जन्म के पहले ही पता करना है कि बेटा है या बेटी, पर ये कानून के खिलाफ है। वैसे भी क्या फर्क पड़ना है अगर बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान होती है। कृपया कर ये बात आप किसी और से मत पूछिएगा, वरना आपको जेल की सजा हो सकती है। आई बड़ी डॉक्टरनी, मैं तुम्हारे पास जांच करवाने क्या आ गई? बहुत डॉक्टरी झाड़ रही है मुझ पर, क्या पूरी दुनिया में तुम एक ही डॉक्टर हो यहाँ? मैं जाकर किसी और से पूछ लूँगी कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। आप ऐसा कुछ पूछेंगी तो मुसीबत में पड़ जाएंगी। हाँ हाँ, देख लेंगे। ये कहकर तुम्हारी दादी माँ मुझे वहाँ से लेकर कहीं और चली गई। उन्होंने मेरी जांच कई डॉक्टरों के पास करवानी चाही, पर हर किसी ने उन्हें डांट कर मना कर दिया। डोरा नाम की डॉक्टर ने कहा, सुनिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आपने पहले से ही इस चीज की जांच कराने की कोशिश कई डॉक्टरों के पास की है, मैं अभी आपकी कंप्लेंट पुलिस से कर देती हूँ। वो तो मेरी अकल घास चने गई थी जो मैंने ये पूछ लिया, बेटा या बेटी क्या फर्क पड़ता है। सासू माँ हार मानकर मुझे घर तो ले आई, पर उस दिन से मेरी जिंदगी जैसे नरक बन चुकी थी। उसके बाद बेटे की आस में उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, प्रसव वेदनाओं से तड़प रही थी मैं, पर उन्होंने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक के बाद एक बेटियों को ही जन्म दिया था, उन्हीं की जबरदस्ती की वजह से मुझे पांच पांच बेटियों को जन्म देना पड़ा। उन्हें फिर भी बेटे की आस थी, उन्हें वारिस चाहिए था,
तुम्हारे पापा दादी के जिद से थक चुके थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब उन्हें और बच्चा नहीं चाहिए। आस पड़ोस वालों के बीच इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि तुम्हारे पापा घर छोड़कर चले गए। वो जिंदा है भी या नहीं हम नहीं जानते। माँ तुम चिंता मत करो, माँ हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बसेरा करेंगे। जब यहाँ से गुजरने वाले सभी दादी से पूछेंगे कि आपकी बहू और पोतियाँ यूँ सड़क पर क्यों जी रही हैं, तब देखते हैं वो क्या कहेगी। फिर वे सभी वहीं पर अपना छोटा सा टेंट हाउस बनाकर रहने लगे। वहीं पर रोटियां बनाते और वहीं खाते वहीं जीने लगे थे। आस पड़ोस में रहने वाले सभी ये देखकर चौंक रहे थे। एक दिन चीचू ने मही से पूछा, ये सब क्या हो रहा है बहन जी? यूँ एक के बाद एक सभी आकर मही से पूछने लगे। आखिरकार मही तूनी के पास गई और उन सबको घर वापस आने के लिए कहा। तूनी और उसके बच्चों से कहा कि उन सभी ने समाज में मही की बेइज्जती करवाने के लिए ही जन्म लिया है। समय के साथ दादी की सोच बदल गई। जितनी जरूरत होती उतना बात करती और मही अपने आप में ही रहने लगी। तूनी का पानी पूरी का व्यापार था। वो हर सुबह अपने ठेले के पास जाती और वहाँ खड़ी होकर, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटे मजेदार पानी पूरी, इस तरह आवाज देकर वो ग्राहकों को बुलाया करती। उसकी पानी पूरी सभी को बहुत भाती थी, इसीलिए उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता था। टूनी के पास हर दिन ब्रूसली नाम का एक चील आया करता और वो हर बार दो प्लेट पानी पूरी मांगा करता। अपने हिस्से की पानी पूरी खाने के बाद ब्रूसली कहता, दो प्लेट पानी पूरी पार्सल कर देना। टूनी उसकी बात मानकर दो प्लेट पानी पूरी पार्सल कर देती। फिर ब्रूसली कहता कि मेरे हिस्से के पैसे भी दे दो और टूनी उसे हर बार पैसे दे दिया करती। ब्रूसली पैसे और पानी पूरी लिए वहाँ से चले जाया करता। ये सब वहीं पास में रहने वाली लूसी कबूतर ने देख लिया। मैं हर दिन देखती हूँ ये यहाँ पर आकर खूब खा भी जाता है और तुमसे पैसे भी ले जाता है। दरअसल उन्होंने मुझे ये ठेला लगाने के लिए पैसे दिए थे, मैं अभी तक पैसे नहीं लौटा पाई। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे असल कितने देने हैं और मैंने अब तक ब्याज कितना दिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे इस व्यापार में लाभ हो भी रहा है या नहीं। ये कहती हुई टूनी रो रही थी। दिल छोटा मत कीजिए, कभी न कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लूसी ने उसे सांत्वना दी। आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षी ब्रूसली के बारे में बात किया करते। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह ब्रूसली बड़े गुस्से से टूनी के पास आया। अरे ओ टूनी, तूने सभी को क्या बताया है मेरे बारे में? तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, इसीलिए तो मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा कर ले जाता हूँ। बस इतनी सी तो बात थी, तुमने मेरी इतनी बुराई कर दी सबके बीच। बस अब या तो तुम मेरे पैसे लौटाओ या फिर ये ठेला मुझे दे दो। आप गलत सोच रहे हो, मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ अपने बारे में बताया था, मैंने आपकी बुराई नहीं की। पर ब्रूसली ने उसकी एक न सुनी। मैं ये सब नहीं जानता, या तो मेरे पैसे लौटाओ या मुझे ये ठेला दे दो। हारी हुई टूनी ने कहा, ठीक है, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं कुछ न कुछ कर आपके पैसे लौटा दूंगी। वैसे और कितने पैसे देने बाकी हैं? तुम्हारे पास भी तो लिख कर रखा होगा ना, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें और 1,00,000 रुपए लौटाने हैं ब्याज के साथ। ब्रूसली के ये कहते ही टूनी चौंक गई। क्या कहा, और 1,00,000 देने हैं? ब्रूसली ने बड़े गुस्से से उसे धमकी दी और कहा कि अगर उसने 1,00,000 रुपए नहीं लौटाए तो बहुत बुरा होगा, और वहाँ से चला गया। टूनी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उदास खड़ी सोच रही थी। अचानक आकाश से एक रोशनी आई। उस रोशनी से एक कटोरी प्रत्यक्ष हुई। उस कटोरी को देखकर टूनी ने कहा, ये अचानक कहाँ से आ टपका? वैसे देखने में ये कितना सुंदर है। यूँ चौंक कर टूनी उसे देखने लगी। इसे एक बार छूकर देख लेती हूँ। ये सोचकर टूनी जैसे ही कटोरी के पास गई, उस कटोरी से आवाज आने लगी। सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ, मेरा नाम भी टूनी है। मैं हमेशा तुम्हें आसमान से देखती रहती हूँ, तुम्हें तकलीफ झेलते हुए उदास होते हुए देखती हूँ, पर तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कईयों की सहायता की, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं आई हूँ, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए आई हूँ।
कटोरी की ये सारी बातें सुनकर टोनी के होश उड़ गए। उसका सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। वहाँ क्या हुआ था टोनी को कुछ भी नहीं पता। उसने जैसे ही आंख खोलकर देखा तो वो अपने घर में थी। वहाँ पर वो कटोरी भी थी। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, यूँ चारों ओर देखने लगी। ओ टोनी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर में ही हो। मैं तुम्हें उस ब्रूसली के अत्याचार से मुक्ति दिलाने आई हूँ। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। बताओ क्या करना है। टोनी के पूछने पर कटोरी ने उसे कुछ बताया और टोनी उसे मान भी गई। अगली सुबह हर दिन की तरह ब्रूसली टोनी के ठेले पर आया। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको ये ठेला दे दूंगी। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, ब्रूसली ने गुस्से से पूछा। कैसी शर्त? आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे शाम तक सारी पानी पूरी बिक जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको पूरे 1 लाख के साथ ठेला भी दे दूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कर्ज आपको माफ कर देना होगा। टोनी की इस शर्त को सुनकर ब्रूसली ने टोकरी की ओर देखा। उस टोकरी में थोड़े से ही पानी पूरी थे, शाम तक तो ये यूं ही बिक जाएंगे। ये तय कर ब्रूसली ने पानी पूरी बेचना शुरू किया। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को पानी पूरी खाने के लिए कहने लगा। उसके पास बहुत सारे पक्षी आकर पानी पूरी खाने लगे, पर वो अक्षय पात्र था, ये बात वो नहीं जानता था। जितनी भी पानी पूरी बिकती वापस उतनी आ जाया करती। ब्रूसली पानी पूरी बेच बेच कर थक गया था। अब मैं और पानी पूरी नहीं बेच पाऊंगा, जैसे तुमने कहा मैं वो नोट तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ब्रूसली वहाँ से घर गया और नोट लेकर वापस आया। नोट में लिखा हिसाब देखा तो पता चला कि ब्रूसली ने 50,000 ज्यादा ले लिए थे। ब्रूसली की समझ में कुछ न आया, वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये इतनी होशियार कैसे हो गई। ब्रूसली के पास और कोई चारा नहीं था, वो पैसे वापस लौटा कर वहाँ से चला गया। टोनी की मदद करने वाले उस अक्षय पात्र का उसने आभार माना। अक्षय पात्र हंसते हुए वहाँ से गायब हो गई। ब्रूसली से छुटकारा पाने पर टोनी खुशी खुशी वापस अपना पानी पूरी का ठेला चलाने लगी।